ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताब रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हो। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की माने मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसीलिए हम उसके बदन के उज्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मान मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। खुदा के पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन।